लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, उसके बाद जयंत चौधरी ने बीजेपी की बढ़ाई की थी। अब उसी से जुड़ी एक खबर देखिए, जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं और कहिए कि हो रहे हैं, इसको लेकर लगभग कंफर्मेशन है। के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, कि हमारे दल तक सीमित नहीं है, देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। क्या आज अजीत सिंह जी की जयंती पर उस तारीख की भी आप घोषणा करेंगे, कब आप एनडीए के साथ आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे? नहीं, आज की तारीख तो हम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। प्रसाद ग्रहण कीजिए आप। धन्यवाद। जयंत चौधरी को आप सुन रहे हैं और जिस गठबंधन की बात की जा रही थी वो दरअसल घट रहा है, वो गठबंधन हो रहा है। एक एक करके तमाम पार्टियां उससे निकल रही हैं और क्या है महज इत्तफाक है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा होती है तो जेडीयू के साथ बीजेपी की बिहार में सरकार बनती है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा होती है तो जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने का बयान देते हैं। वहीं अखिलेश यादव को भी झटका है क्योंकि बीते चुनाव में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार सीटों को लेकर जो बंटवारा, उसमें खटपट नजर आई। जयंत चौधरी चाहते थे कि उनकी पार्टी को 7 लोकसभा सीटों पर लड़ने का मौका उत्तर प्रदेश में दिया जाए, जबकि अखिलेश उनको 4 सीट देने पर भी अच्छे से राजी नहीं थे। और ऐसे में जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ रुख करते हुए एनडीए का हिस्सा बनते हुए, हालांकि वो आधिकारिक तौर पर एनडीए में कब शामिल होंगे ये जानकारी आज उन्होंने नहीं दी, लेकिन आरएलडी एनडीए में शामिल हो रही है ये कंफर्म है। अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन क्या एक किसान आधारित पार्टी एनडीए का हिस्सा बन रही है, क्या उसको किसान आंदोलन जो वर्तमान में बढ़ रहा है उससे जोड़कर देखा जा सकता है, क्या चंडीगढ़ में लगी धारा 144 और इधर यूपी में जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा हो रहे हैं, क्या ये राजनीति का हिस्सा है?